अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार नाकाम है। 19 लाख रोजगार पर बात की थी, सरकार की नाकामियों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी आह्वान करेंगे। जनता पर को कैसे विश्वास हो इस टीका पर, इसके लिए तो लेना चाहिए पहले राज्य के मुखिया को, देश के मुखिया को। ये बिहार में सबसे पहले टीका क्यों नहीं ऐसे लोग लगवा रहे हैं जिनसे जनता का विश्वास वो जीत सके, ये सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर आवास पर आज तमाम जो बिहार प्रदेश राजद के नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो प्रधान महासचिव हो या सचिव हो या फिर प्रवक्ता हो, तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं जिसमें कि अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। अर्थात बीते दिनों जिस तरह से महागठबंधन दलों के साथ बैठक हुई थी, आज बिहार प्रदेश के राजद नेताओं के साथ अंदर में तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं और इसकी अध्यक्षता जगदानंद बाबू जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजद के, उनके साथ उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक में किन किन मसलों पर चर्चा होनी है मैं आपको कुछ कुछ बातें मुख्य बिंदु बना दूं। सबसे पहले जो बिहार में जो बढ़ता अपराध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है उस पर चर्चा होनी है, किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को घेरना है, किस तरह से जनता के साथ राजद के समर्थकों के साथ सड़क पर उतरना है, कृषि बिल को लेकर के हो या फिर 19 लाख रोजगार का मामला हो, सभी मामलों को लेकर के सड़क पर उतरने की तैयारी में है, नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में है राजद, इसको लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार बीते दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से आए हैं एकदम टाइट मूड में है और लगातार वो बैठकों का दौर जारी रखें और आज भी बैठक हो रही है। आज बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है हम तो ये बताएंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से बीते दिनों खबरें आई थी कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से राजद मन बना चुका है कि हम जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे, 19 लाख रोजगार को लेकर के हो, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के हो, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा बीते दिनों रुपेश कुमार सिंह की हत्या हो गई दिन दहाड़े, वहीं फिर आज हाजीपुर में वकील की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, वहीं लगातार आई इसको लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार खुद पत्रकारों पर ही सवाल दाग देते और कहते हैं कि आप किस खेमे से हैं, आप किसके समर्थक हैं, पत्रकारों से सवाल करते हैं नीतीश कुमार, ये कहां तक जायज है कि पत्रकारों से आप सवाल करें नीतीश कुमार कि किस खेमे से हैं, किसके समर्थक हैं, पत्रकार किसी के समर्थक नहीं होते हैं, वो सत्ता से में बैठे नेताओं से सवाल करते हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, इस बैठक में क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहेगा सुनिए। बोलिए ना, चले गिरा देंगे। बैठक है किसी बैठक में क्या कुछ निर्णय होंगे, प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया है? नहीं, ठीक है, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार नाकाम है। 19 लाख रोजगार पर बात की थी, सरकार की नाकामियों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी आह्वान करेंगे इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। तो ये सरकार के खिलाफ कैसे सड़कों पर मजबूती से आंदोलन किया जाएगा, सरकार की नाकामी को, इसी को लेकर के तेजस्वी यादव जी बैठक ले रहे हैं, समीक्षा करेंगे, सब चीज़ की जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, इसके बाद धन्यवाद यात्रा होगा, उनका जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया गया, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बैठक उन्होंने आज बुलाई है। जो आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो क्या आप लोग टीका लेंगे और अपने नेता को भी कहेंगे कि अब टीका लें? वो देखिए, टीका जो है सब जगह पूरे विश्व में, तो पहले जनता पर को कैसे विश्वास हो इस टीका पर, इसके लिए तो लेना चाहिए पहले राज्य के मुखिया को, देश के मुखिया को, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को। तो यहाँ तो सबसे पहले सफाई कर्मी को दिया जा रहा है, अब बीजेपी के वैक्सीन पर तो भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए जनता में जब तक विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बात सामने आ रही है, वैक्सीन लेने के बाद
इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्या है नहीं है, जनता में कैसे इसका विश्वास जगे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के आम जनता में कोई खास इसको लेकर के उत्साह नहीं देखा जा रहा है, इसलिए कि अब इसका क्या रिजल्ट आता है नहीं आता है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन भारत में यह बिहार में सबसे पहले टीका क्यों नहीं ऐसे लोग लगवा रहे हैं जिनसे जनता का विश्वास वो जीत सके, ये सवाल खड़े होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।